कुलपति के बाकायदे आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, जो कुलपति बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है, वो खुल के कहता है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। और अगर वो एजेंडे पर आधारित प्रोफेसर बनता है तो उनका काम करेगा। कह रहे भाई हम जुडिशरी बिक गई थी, हम क्या कर लिए, मीडिया बिक गई, हम क्या कर लिए, चुनाव आयोग बिक गया, हम क्या कर लिए। वैसे विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ भी ऐसे ही हो रही है। ये सारे इतने कमजोर रीढ़ वाले लोग हैं, उनको प्रोफेसर बनना है भाई, वो उसके लिए आप हिंदू राष्ट्र बनवा लो, उनके लिए कुछ भी करवा लो, वो करने को तैयार है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज सोचिए यहाँ शिक्षकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सोचिए कि एक विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर रोडों पर हैं, तो कभी स्टूडेंट सड़कों पर होते हैं, मगर देश की जो हमारे देश की विडंबना है कि कभी हमारे स्टूडेंट्स उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो कभी हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोचिए उनको क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है एक इंटरव्यू में। तो अभी हमारे साथ है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। सर, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आप इतने एलिजिबल हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है एडहॉक का और उसमें आपको क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, तो ये इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या पूछा जा रहा है कि आपकी सारी क्वालिटी खत्म हो जाती है? देखिए, इंटरव्यू में पूछने का ये है कि हम लोग तो अभी तो इस बार कोई अभी इंटरव्यू नहीं दिए, लेकिन इसके पहले जब प्रोसेस था तो जो इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू का सैद्धांतिक पक्ष कुछ और होता है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी कि जिसको आप ये कहें कि ऑब्जेक्शनेबल है। वो आपके विषय से दो सवाल पूछ लेंगे, आपकी पीएचडी से दो सवाल पूछ लेंगे, आपके इंटरव्यू के पढ़ाने वाले पेपर से पूछ लेंगे, तमाम सवाल पूछेंगे। सवाल अच्छे पूछे जाएंगे, आपके विषय पूछे जाएंगे, उसके जवाब से वो संतुष्ट हैं कि नहीं, ये आप नहीं जान पाएंगे। 100 लोग अगर इंटरव्यू दिए, एक पोस्ट थी, अंत में एक निर्णय आ जाएगा कि फला का सिलेक्शन किया जाता है, दैट्स इट। वो व्यक्ति जाके ज्वाइन कर लेगा, बाकी 99 लोगों को कोई न सूचना दी जाएगी, न कोई ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कि उन्हें पता तो चले कि उनकी गलती क्या थी। दूसरा, एक दिन में 100 लोगों का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो एक इंटरव्यू वो मुश्किल दो मिनट ढाई मिनट में तो ढंग से आप दो सवाल का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं 10 साल में 10 पीढ़ियों को पढ़ा चुका, 10 बैच को पढ़ा चुका, मैं एलिजिबल था, इस इंटरव्यू दे करके उस पोस्ट पर गया, लेकिन टेम्परेरी था, मैं परमानेंट का इंटरव्यू। और जैसा हुआ है अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि मान लीजिए 50 लोगों का परमानेंट अपॉइंटमेंट इस समय हो गया, 50 में से 40 से 45 लोग बाहर हो गए जो वहाँ पढ़ा रहे थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोई दूसरी जगह पढ़ा रहा है, वो उसका जुगाड़ बढ़िया था, उसका तमाम समीकरण बहुत मजबूत था, वो आके इंटरव्यू में परमानेंट हो गया। कोई सिलेक्शन कमेटी वाला है, उसकी जेब में कैंडिडेट हैं प्रिंसिपल के। अरे भाई, कोई भी चीज़ निष्पक्ष है क्या? वाइस चांसलर कहाँ से बनाए जा रहे हैं इस देश को नहीं पता है क्या? प्रिंसिपल कहाँ से बनाए जाते हैं इस देश को नहीं पता है क्या? और जो इंटरव्यू लेने आता है वो कौन लोग होते हैं, कैसे उनका पैनल बनता है, नहीं पता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं, टोटली करप्ट सिस्टम है। लेकिन अभी यह जो इस समय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की विशेष परिस्थितियाँ हैं, 5,000 में से जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उन सबको बाहर करके मनमानी तरीके से 2 मिनट के इंटरव्यू में कोई किसी की काबिलियत नहीं जान सकता भाई, और वो करके यहाँ पर इंटरव्यू किया जा रहा है, लोगों को बाहर किया जा रहा है। और जो शिक्षक संघ ये भरोसा कराया था कि जो जहाँ पढ़ा रहा है उसको परमानेंट करेंगे, वो उनको नहीं कर रहा है, और बाहर निकले हुए लोगों के लिए वो कह रहा है कि आप इंतजार करो, हो सकता है कहीं और आपका हो जाए। इसलिए इस पूरे अन्याय के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है कि भाई ये टीचर्स के साथ बहुत बड़ा ज्यादती है जी। कुछ एक टीचर्स ने ये भी बताया कि भाई जिनके ऊपर वालों का हाथ है, पीएमओ से फोन आ जाता है, लेटर आ जाता है या संघ की तरफ से, तो क्या सर इस तरीके का विश्वविद्यालय में इस तरीके का भी चल रहा है क्या? नहीं, देखिए ये हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। सत्ता कई बार देखने में बहुत सारी चीज़ें, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, वो ऑटोनॉमस है, जुडिशरी ऑटोनॉमस है, मीडिया ऑटोनॉमस है, मतलब अपने अपने ढंग से सबको एक स्वतंत्रता मिली हुई है, इसी तरह से विश्वविद्यालयों को भी एक स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन जो पतन इस समय बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं का है, सरकारी पार्टियों का, सरकारी संगठनों का जो दखल उनमें है, वैसे ही दखल विश्वविद्यालयों में भी है। मैंने पहले ही टिप्पणी में कह दिया कि कुलपति कहाँ से बन रहा है, कुलपति के बाकायदे आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, जो कुलपति बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है, वो खुल के कहता है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, तो निष्पक्ष कहाँ से रह गया? अचानक से खास किस्म के, खास विचारधारा, खास पार्टी के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठा दिए गए, तो उसका असर तो होगा ही होगा।
में पीएमओ तो बहुत बड़ी चीज़ है, वाइस चांसलर के पास भी तो कैंडिडेट होते हैं, उसके बाद फिर प्रोफेसर के पास भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी होते हैं और तमाम लोगों के पास होते हैं। ताकतवर के बीच से चुना जा रहा है कि सबसे ताकतवर कौन है, उसका दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनना है भाई। येन केन प्रकारेण वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर अपने बंदे को बिठाएं, सरकारें बदल जाएंगी, 30 साल तक एक प्रोफेसर प्रोफेसर बना रहेगा और अगर वो एजेंडे पर आधारित प्रोफेसर बनता है तो उनका काम करेगा। इसलिए ये तो बहुत टोटली करप्ट सिस्टम है, लेकिन चूंकि हम लोग हैं उसमें, उसकी सजा ये मिलेगी कि कल को हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें भी कहा जाएगा ये तो नेतागिरी करते हैं, ये तो बाहर भाषण देते हैं। सवाल उठाना, क्योंकि हमको पता है कि हम आपसे बोल रहे हैं ना, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, ये आपके चैनल पर 20-50 लोग, 5000 लोग देख लेंगे, 10000 लोग देख लेंगे, वो भी चुपचाप बैठ जाएंगे कि अरे भाई हम जुडिशरी बिक गई थी हम क्या कर लिए, मीडिया बिक गई हम क्या कर लिए, चुनाव आयोग बिक गया हम क्या कर लिए। वैसे विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ भी ऐसे ही हो रही हैं, कोई बदलाव की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। ये तो शायद हम लोग अपने को दिलासा दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सर अगर आप जैसे शिक्षक अगर हार मान लेंगे तो आखिर इसका समाधान क्या निकलेगा? नहीं देखिए, अकेले लड़ाई लड़ी भी नहीं जा सकती ना, इस तरह की बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा एक बड़े मोबिलाइजेशन से, बड़ी एका से, लोगों को मोबिलाइज करके, लोगों को जागरूक करके, लोगों की, क्योंकि जमहूरियत एक तरह हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। संख्या बल अगर ज़्यादा होगा, संख्या बल से ही लड़ाइयाँ लड़ जाएंगी। किसानों के लिए संख्या बल दिखाया, वो अपने तीनों कानून वापस करा ले गए। रोस्टर आंदोलन पर हमने संख्या बल दिखाया, हमने 13-point रोस्टर वापस करा लिया। शिक्षा के बेचने के खिलाफ इस देश के शिक्षक, छात्र और प्रोफेसर संख्या बल नहीं दिखा पा रहे, शिक्षा बिक चुकी है, नई शिक्षा नीति के नाम पर सारी एजुकेशन पैटर्न पूरी तरह कोलैप्स कर गया। तो जब संख्या बल नहीं होगा तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इंडिविजुअली तो हम कहाँ हार माने, हम तो आपसे भी यही बोल रहे हैं कि हाँ भाई बहुत करप्ट सिस्टम है, बहुत तरह घोटाले हो रहे हैं। मेरा कहना ये था कि हमारे इंडिविजुअल बोलने से कोई सार्थक असर नहीं दिखेगा, कोई इसका बहुत सार्थक बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए मैं ये इस उम्मीद में बोल रहा हूँ कि लोग जागरूक हों, लोग लड़ने के लिए साथ में हैं। ये जो 5000 टीचर हैं, अगर 5000 टीचर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं एडहॉक, तो भी ये होता है कि देखो ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई है वही नहीं आते। जो शिक्षक संगठन के लोग हैं वो, उनके बहुत सारे गुट हैं, उनमें बहुत सारे समीकरण होते हैं, उसमें से कोई इधर लड़ाई लड़ता है, कोई नारे लगाता है, कोई अंदर जाके कोई और बात करता है, कोई इंटरव्यू में बहुत जिस जो पावरफुल है वो अपने लोगों को अपॉइंटमेंट करवा रहा है। बहुत बहुत बड़ा एक करप्शन का पूरा नेक्सस बन गया है। इस नेक्सस को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है जो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। डूटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो मूवमेंट बन सकता है और बनना चाहिए। सर एक मेरा सवाल ये भी है, जिस तरीके से संघियों की पैठ लगातार होती जा रही है और संघियों का एक संगठन बन रहा है, तो क्या एक समाज एकजुट नहीं हो सकता है? नहीं, संघ बहुत लोगों को जोड़ रहा है, लोगों को ये समझा रहा है कि हम तो भाई आपके लिए न्याय देंगे, और जो पावर में होता है उसके साथ लोग जाते हैं, क्योंकि उसके पास लोगों को बांटने और खुश करने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि वो स्वाभाविक है। पहले भी कोई पार्टी, कोई विचार सरकार में रहा, उसका दखल लोगों में होता है। संघ और आरएसएस इस समय, बीजेपी और आरएसएस इस काम को बहुत तेजी से और बहुत अनैतिकता के साथ कर रही है। बहुत सारे लोगों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ ले आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच के मनमुटाव को उजागर करके कि भाई तुम्हारा हक तो तुम्हें मिला नहीं, आओ हम देंगे, बहुत सारे लोगों को प्रलोभन और बहुत सारे लोगों को डरा करके। तो ये सत्ता का चरित्र होता है, आरएसएस सत्ता में है, लोगों को आकर्षित कर रही है, लोग जा रहे हैं। कल को जो कांग्रेसी थे वो आज आरएसएस के हो गए, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग भी आरएसएस के हो गए, बहुत सारे न्यूट्रल लोगों को भी लगता है कि पावर में वो हैं, उनके खिलाफ क्यों बोलना, उनके साथ जाएंगे, हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र तो क्या ही बनेगा, ये कम से कम जैसे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं, ये सारे इतने कमजोर रीढ़ वाले लोग हैं, उनको प्रोफेसर बनना है भाई, वो उसके लिए आप हिंदू राष्ट्र बनवा लो, उनके लिए कुछ भी करवा लो, वो करने को तैयार हैं। क्योंकि ये प्रोफेसर के ज़्यादातर प्रोफेसर बहुत डरे हुए, कमज़ोर और फर्स्ट जनरेशन होती है, क्योंकि उसको किसी तरह नौकरी चाहिए होती है। तो प्रोफेसर बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए ये खामोश है, इनको बहुत राष्ट्र वाष्ट और ये दंगा करने भी नहीं जाते, ये वो कॉम नहीं है, प्रोफेसर लोग हैं, ये थोड़े शार्प होते हैं, ये जातिवाद भी बहुत महीन करते हैं, ये जो है संघ से भी जुड़ेंगे तो पीछे पीछे जुड़ेंगे। इसलिए पूरा सिस्टम बहुत बहुत तेज़ी से कोलैप्स हो रहा है, और मेरी चिंता ये है कि
आरएसएस हो सकता है बहुत मजबूत हो जाए, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाए उनका परिवार बहुत मजबूत हो जाए, कुछ लोग वाइस चांसलर प्रिंसिपल बन जाएं तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो विश्वविद्यालय है ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया ना, तो ये फिर कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, ये मेरी चिंता है। तो यहाँ पे जो अभी जितने शिक्षक आए हैं तो क्या राजनीति चमकाने आए हैं सर यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग फॉर्मेलिटी करने आए हैं कि हम लड़ रहे हैं, कि हमें आपने टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट चुना है, वाइस प्रेसिडेंट चुना है तो हम लड़ रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें, कुछ लोग आ रहे हैं कि यार कहीं और कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है यहीं से हमारा कुछ कल्याण हो जाए, और बाकी लोग बहुत सारे औपचारिकता निभा रहे हैं, गंगा में हाथ धोने, बहुत सारे औपचारिकताएं हैं। मुझे लगता है कि इतने छोटे से एक रिचुअल से नहीं कुछ होगा, एक बड़े मूवमेंट जैसी जरूरत है तब जा करके कुछ हो पाएगा। ठीक है तो सर आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से किसानों ने 3 काले कानून वापस करवाए थे, क्या ये टीचर्स भी इस तरीके के कानून वापस करवा सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद रखता हूं और गुजारिश भी करता हूं, ख्वाहिश भी मेरी ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक एक बहुत ताकतवर ओहदा है और इतने ताकतवर लोग हैं कि यहाँ भीड़ की वो ज़रूरत नहीं है या उस तरह के आंदोलन की ज़रूरत नहीं है जो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत वायलेंट हो, ज़रूरत ही नहीं। प्रोफेसर जिस दिन 5,000 की संख्या में किसी एक कोने में भी दिल्ली में बैठ जाए और कहे कि हमें ये करना है, जैसे 3 दिन की हड़ताल है और 3 दिन की हड़ताल में अगर ये बैठ जाए प्रोफेसर ढंग से कि हमें भाई ये चाहिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रोफेसर की बात ना माने। हमने 13-point रोस्टर इसी आंदोलनों से वापस कराया, हमने 2016 में UGC 3rd Amendment इन्हीं आंदोलनों से वापस कराया, हमने एडहॉक टीचर को निकाले जाने की तमाम कोशिशों के खिलाफ आंदोलन किया और एडहॉक को सुरक्षित इन्हीं आंदोलनों से किया। इन आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया, डूटा हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए मेरी तो उम्मीद है कि जिस दिन अगर ढंग से ये सारे लोग खड़े हो जाएं तो कुछ भी पा सकते हैं, बस लीडरशिप में ईमानदारी होनी चाहिए, लोग बिके ना, लोग कमज़ोर ना पड़े, लोग ऋण विहीन ना हो तो वो कोई भी बड़ी जंग जीत सकते हैं। इसलिए मैं तो अभी भी चाहूँगा कि ये लोग लड़ें, ताकत से लड़ें और हम सारे लोग जो 12 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग भी परमानेंट हों, हमें कल को कोई निकाल देगा तो हम जाएंगे कहाँ, हमें तो कोई और नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम चाहते हैं और हम तो बोल रहे हैं, वैसे भी हमें क्या है, लेकिन जो चुप हैं उनको भी निकाले जाएंगे और वही निकाले सबसे पहले जा रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि देखो नहीं भी बोलोगे नहीं भी लड़ोगे तो भी मारे जाओगे, इससे अच्छा है कि लड़ लो शायद बच जाओगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ थे, तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर भी जो शिक्षक गण यहाँ पर जुटे हैं तो उनमें भी आपस में जो एकजुटता नहीं है, कोई अपनी राजनीति और लीडरशिप चमकाने आया है तो कोई यहाँ से नेता बन के निकलने के लिए आया है, लेकिन सच्चाई आप जानिए कि डूटा का ये जो आज प्रदर्शन इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पर टीचर्स जो आज रोडों पर दिख रहे हैं, कुछ को तो वाकई में इस चीज़ का दुख है कि परेशानी भी है कि वो इस तरीके से इतने टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, 15-15 साल हो जा रहे हैं उन्हें पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एक इंटरव्यू जो उनको क्लीन बोल्ड करके निकाल दे रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं NEP के द्वारा छात्रों के ऊपर जो शिक्षा का वार किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि शिक्षा संस्थान कितने सुरक्षित और असुरक्षित हो रहे हैं, और वहीं लगातार जो आज यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं तो उनके भी खेमे जो है कुछ हिले हुए हैं, उनकी भी जो आपसी संगठनों में मतभेद है वो भी बना हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि एक शाखा किस तरीके से अपने संगठन को और लोगों को मजबूत करती है, लेकिन वहीं अगर ये लोग भी एकजुट हो जाएं तो शायद कोई फर्क पड़ सकता है। इसी के साथ देखिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।